Good morning, friends. Welcome back to digital platform of online study अड्डा इलाहाबाद. ऑनलाइन स्टडी अड्डा इलाहाबाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे. तो लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में कंडीशनल ब्रांचिंग का, जिसमें हमने आपको इफ एल्स पे कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे. उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज भी हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का ही प्रयोग करते हुए और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए, लास्ट टाइम पे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 2 नंबर इनपुट कराने थे और उनमें से जो बड़ा है उसको प्रिंट करना था, है ना. अब हम उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और कहते हैं कि हमें अब की बार 3 नंबर इनपुट कराना है. कितने? 3 नंबर. और इन 3 नंबर में से जो बड़ा है, तीनों में से जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है. तो माय क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड print the largest. 3 नंबर इनपुट करा और उनमें से जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है. फाइन. पहले तो इसका लॉजिक डिस्कस किया जाए कि कैसे करेंगे. मान लो आपको 3 पत्थर दिए हैं, ए, बी और सी, और देखने में और आकार में तीनों एक जैसे हों, ठीक. और आपको एक तराजू दिया हो, और तराजू में आपको पता है कि 2 ही चीज तोल सकते हैं, 2 से अधिक नहीं. तो आप बताओ कि इनमें से जो सबसे भारी पत्थर है उसको कैसे पता लगाया जाए. ए, बी, सी देखने में सब तीनों का आकार एक जैसा है और देख के नहीं पता लगा सकते. तराजू दिया है, कैसे पता लगाओगे? ए, बी को साथ में तोलेंगे. पहले आपने ए और बी को तोला, फिर उसमें जो हैवी होगा उसको सी के साथ कंपेयर करेंगे. अगर ये हैवी है तो ए को सी से कंपेयर करेंगे, है ना. अगर ये हैवी है तो, और अगर ये हैवी है तो क्या करेंगे? बी को सी के साथ. वेरी गुड. बी को सी के साथ कंपेयर करेंगे और उनमें से जो हैवी है, ए हैवी है तो ए प्रिंट कर देंगे, सी हैवी है तो सी प्रिंट कर देंगे. यहाँ पे बी हैवी है तो बी प्रिंट कर देंगे, यहाँ सी हैवी है तो सी. बिल्कुल सही तरीका है. अब इसी चीज को प्रोग्रामिंग की भाषा में स्टेटमेंट से लिख देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. यानी पहले आपको ए, बी और सी इनपुट लेना है, फिर ए और बी को कंपेयर करेंगे. अगर ए बड़ा है तो ए को सी से कंपेयर करेंगे, अगर बी बड़ा है तो बी को सी से कंपेयर करेंगे, और जो बड़ा है उसको प्रिंट कर देंगे. समझ में आया? इसी को हम लोग करने जा रहे हैं. जब आप ऐसे सोच सकते हो तो आप प्रोग्राम में कैसे लिखना है ये भी सोच सकते हो. चलो, मैं हाथ इंटरव्यू नहीं लिख रहा हूं, आप लोग मान लीजिए मैंने लिखा है. सबसे पहले मेन फंक्शन लिखते हैं, void main, और इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है. int a, b, c. क्लियर? अब इनपुट कराना है तो सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं. SCR से स्क्रीन साफ किया. उसके बाद हमने मैसेज दिया 3 नंबर इनपुट कराने के लिए. मैसेज देने के लिए प्रिंटफ फंक्शन, प्लीज एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर इनपुट करिए. और इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन है? स्कैनर. इंटीजर है तो %d %d %d. पहला ए में जाएगा, दूसरा बी में जाएगा और तीसरा सी में जाएगा। इनपुट वाला काम हो गया। अब जो ज्वाला ने बताया उसको किया जाए। क्या कहा इन्होंने, पहले ए और बी को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के लिए कंडीशन स्टेटमेंट कौन सा यूज करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है? अब इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। अगर हाँ है मतलब ए बड़ा है, ना है मतलब बी बड़ा है। अगर हाँ है तो क्या करना होगा, ए को सी से करना पड़ेगा। तो मान लो कि हाँ है, तो एक और चेक करो, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए सी से बड़ा है। अगर ए सी से बड़ा है तो क्या करें, क्या प्रिंट करें, ए सबसे बड़ा है। वेरी गुड, आप लोग बड़े समझदार हो, जल्दी से समझ लें। प्रिंट एफ परसेंट बी इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है, डी की जगह ए की वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। एल्स हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है तो ये ना लगाए, है ना। एल्स, एल्स में क्या प्रिंट कर दें, अगर ये बड़ा नहीं है तो कौन सा बड़ा हुआ, सी। यहाँ तो ए बी से बड़ा है तय हो गया, ए सी से बड़ा नहीं है मतलब सी बड़ा हुआ। तो प्रिंट क्या करें, परसेंट डी इज लार्जेस्ट, और यहाँ पे किसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये इफ वाला खत्म हुआ तो एल्स भी लगाना पड़ेगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं मतलब बी बड़ा है। अब उसमें क्या कर रहे थे, बी को किससे कंपेयर करेंगे आप, सी से। तो यहाँ पे कंपेयर करने के फिर से इफ लगाते हैं, इफ क्या बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे बी बड़ा है। प्रिंट परसेंट बी इज लार्जेस्ट और यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करा दो। अदरवाइज भाई बी सी से बड़ा नहीं मतलब सी बड़ा है, तो क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट परसेंट बी इज लार्जेस्ट और यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं, ये एल्स खत्म हो जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। समझ में आया? ये है हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने 3 नंबर में जो सबसे बड़ा है उसको प्रिंट करने की कोशिश की है, ठीक है। जल्दी से नोट करें। तो यहां पर आपने देखा, ध्यान दीजिएगा, ये पहला इफ है, इसका ये ट्रू ब्लॉक है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, दिख रहा है ना। और इसका फॉल्स ब्लॉक यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। अब एक ट्रू ब्लॉक के अंदर देखिए आपने एक और इफ लगाया, ये इफ कहां लगाया, पहले वाले इफ के ट्रू ब्लॉक में, और इसका ट्रू ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ यही खत्म हो गया, यहाँ शुरू हुआ यही खत्म हो गया, ठीक है ना। और एल्स में भी आपने वही किया है, क्या एक और इफ लगाया है, इसका ट्रू ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, फॉल्स ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ। आप देख रहे हैं एक इफ के अंदर दूसरा इफ आप लगा रहे हैं, एक इफ के अंदर ये एक इफ और एल्स के अंदर एक और इफ। इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या कहते हैं, हाँ, हेडिंग डाल लो, नेस्टेड इफ। It is known as nested if. जब हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ लिखते हैं इसे कहते हैं नेस्टेड। अब आपकी इच्छा है ये जो नेस्टेड वाला इफ है उसको ट्रू ब्लॉक में लिखो, आपकी इच्छा है या जैसी जरूरत है फॉल्स ब्लॉक में लिखो या जरूरत है तो दोनों में लिखो। जैसे अभी हमने इसमें कहाँ लिखा था, दोनों में लिखा था, तो ये हमारा हुआ नेस्टेड इफ। ध्यान रखिए जब भी आप नेस्टेड इफ यूज करते हैं, जब भी आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ और दूसरे के अंदर ऐसा हो सकता है तीसरा भी लिख सकते हैं, तो नेस्टिंग का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो जब कभी आप नेस्टेड इफ का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कंडीशन लगाने से वैसे भी बढ़ जाती है और कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाएंगे तो और बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आपके पिताजी के भाई आपके क्या हुए, चाचा हुए, ताऊ हुए, है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको थोड़ा समय लगा रिलेशन को सोचने में। अब हम ऐसे कहें आपके पिताजी के भाई के बेटे के पिताजी के लड़के आपके क्या हुए। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन, उसके अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। जैसे जैसे कंडीशन बढ़ता जाएगा, डीप होता जाएगा, वैसे वैसे आपको सोचने में ज्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि आपसे गलती भी हो जाए। तो whenever you are writing condition inside condition, जब कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन लिखेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो नेस्टेड इफ से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बट जहां पे जरूरत है वहां पे तो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जरूरत थी हमने लिखा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाया, जरूरत थी इसमें लगाया। तो ये चीज भी हम लिख सकते हैं when we use nested if, it increases the complexity of our code. वो हमारे कोड यानी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। समझ में आया? Is that clear? अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना नेस्टिंग के भी ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नेस्टिंग को क्या अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम यही प्रोग्राम जो अभी किया हमने, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट, इसी को बिना नेस्टिंग के करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखा जाए। इसको मिटा दो। अब देखिए हमारा प्रश्न था 3 नंबर लेना है और तीनों में से जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है। एक तो तरीका ये था कि नेस्टिंग कर दिया, दूसरा तरीका ये हो सकता है 3 नंबर इनपुट करा लिया। अब इसके बाद हमने कंडीशन चेक किया क्या ए बी से बड़ा है, एंड के लिए हम लोग क्या बताया था, ये ऑपरेटर है A is greater than C, A B से बड़ा है और A C से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ A। तो सीधे सीधे प्रिंट कर दो क्या, बोलो भाई, परसेंट D is largest और यहाँ पे परसेंटेज किसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। एल्स अगर ये ट्रू नहीं है तो हमने दूसरा चेक किया, एल्स के साथ हमने इफ लगाया, एल्स के साथ एक और इफ लगाया। यहां पे क्या लगा, ए सॉरी ए तो चेक कर लिया, बी को चेक करो, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर भी ए से और सी से दोनों से बड़ा है? अगर इसका आंसर हाँ है तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? बी हुआ। तो क्या प्रिंट कर दें? वेरी गुड। प्रिंट द परसेंटेज इज लार्जेस्ट, और यहाँ किसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं? बी की वैल्यू। अब देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट किया ए, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर दूसरा चेक किया बी। सॉरी, थैंक यू। तो अगर ये कंडीशन बी और बी ए से और बी सी से बड़ा है तो बी। अब ये भी फॉल्स है, ए बी से बड़ा है, ये फॉल्स है ए सी, और ये भी फॉल्स है, ए बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है, तो बचा क्या? तो उसको चेक करने की आवश्यकता क्या है? पता लग गया, जब ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन सा बचा? सी। तो इस केस में हम सीधे सीधे एल्स लगाएंगे और लिख देंगे क्या? हालांकि चाहे तो लिख सकते हैं इफ सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट करो, बट वो वेस्टेज ऑफ कंडीशन हो गया ना। जब हमें पहले से पता लग गया कि बचा क्या? सी, तो हम सीधे लिख देते हैं प्रिंटर परसेंटेज इज लार्जेस्ट, और यहाँ पे किसको प्रिंट करते हैं? अब देखिए, चाहे ये प्रोग्राम लिखा हो चाहे वहां पे पहले जो लिखा था, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, सही आएगा, बट वहां पे एक के अंदर दूसरा इफ यूज कर रहे थे, यहाँ पे एक के बाद दूसरा इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं। एक कंडीशन के बाद दूसरा, वहां पे एक के अंदर दूसरा। जब एक के अंदर दूसरा करते हैं उसको कहते हैं नेस्टेड, और जब एक के साथ दूसरा करते हैं उसको कहते हैं कॉनकैटिनेटेड। क्या बोलते हैं? कॉनकैटिनेटेड। कॉनकैटिनेटेड मतलब जोड़ करके। हम दो चीज को जोड़ करके चेक कर रहे हैं। हम जोड़ने के लिए एंड यूज किए हैं, और भी कर सकते हैं, एंड या और, ठीक है ना। तो जब कभी जोड़ा जाता है तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होती है, नेस्टेड के तुलना में कम होती है, राइट। तो ये उससे थोड़ा सा बेटर तरीका हुआ। यहाँ पे आप देखें, पहले ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो यहीं से काम हो गया, बट अगर ये फॉल्स है तो दो कंडीशन और चेक करेगा, ये अगर ये भी फॉल्स निकले तो तीसरा अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। तो इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या यूज किया है? इफ, एल्स, एल्स के साथ एक और इफ जोड़ दिया, और फिर बाद में लास्ट में एल्स लगा के कंडीशन काम चला लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम एक इफ, एल्स, इफ, उसके बाद फिर एल्स इफ लगा सकते हैं, इसको कहते हैं एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर का फायदा ये होता है कि हम एक कंडीशन बचा लेते हैं, लास्ट वाला। अगर ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं, तो लास्ट वाला अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? आपने एक कंडीशन बचा लिया, इसीलिए हम लोग इसको एल्स इफ लैडर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। किससे? नेस्टेड इफ की तुलना में ये ज्यादा बेहतर माना जाता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उससे कम है। तो चलो, यहीं पर लगे हाथ हम एक और तरीका इसका देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एक तीसरे तरीके से करते हैं तो आपको पता लगेगा कि वो कैसे होगा। तीसरा तरीका क्या होगा, जरा देखिए। मान लो ये मेरे तीन पत्थर हैं, ए, बी और सी। देखने में सब एक जैसे, आकार एक जैसा है मान लो। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए सबसे बड़ा है। क्या मान लिया हमने? ए सबसे बड़ा है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। अभी हमने एक पत्थर लिया और मान लिया कि यही सबसे बड़ा है, भारी है, ठीक। अब हम क्या करें, बी को उठाएं और ए के साथ, ए के नहीं, एल के साथ कंपेयर करें। एल क्या है? लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट कौन सा है? अभी माना है ए, तो जो सबसे भारी है उससे कंपेयर करो। तो अभी किसको माना हमने? ए, तो ए से कंपेयर किया। अब हो सकता है ए भारी हो सकता है भी भारी, तो जो भारी है उसको एल में डाल दो। अगर ए भारी है तो ए रहने दो, अगर ए भारी नहीं है बी भारी है तो फिर तीसरा बचा इसको भी एल से कंपेयर करो, किससे? लार्जेस्ट से। तो जो अगर ए भारी होगा तो ए से होगा, बी भारी होगा तो बी से होगा। एल में जो भारी है वही आएगा ना, तो एल में जो अभी तक भारी है दो में से वो है, तो सी को एल से कंपेयर किया, क्या हो गया? अगर सी भारी है तो एल में सी डाल दो, अन्यथा जो पहले था वही पड़ा रहता है। तो अब देखिए जो भारी है किसमें चला गया, तो लास्ट में क्या बचा? भारी वाला बचा। तो वही जो एल की वैल्यू होगी वही भारी होगा, वही लार्जेस्ट होगा। समझ में आया? ये टेक्निक है, इसको जरा देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहे हैं एल, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हमने 3 नंबर इनपुट करा लिए। अब हमने कहा एल बराबर ए, जो ए को हमने लार्जेस्ट में डाल दिया, यानी कि ये मान लिया कि सबसे भारी ए है, ठीक है ना? अब चेक करो, इफ बी इज ग्रेटर देन एल, अगर बी एल से बड़ा है, अगर बड़ा है तो एल बराबर बी, अगर बड़ा है तो, नहीं तो कुछ मत करो। यहां पे देखिए एल्स वाला नहीं है, इस वाले कौन सा सिंटैक्स यूज करें? एफ का पहला वाला जिसमें एल्स नहीं है, है ना? फिर हमने चेक किया इफ, यहां पे जगह नहीं है, उधर नहीं करते हैं, इफ C is greater than L, अगर C L से बड़ा है तो L बराबर, जो बड़ा है उसको C L में डाल दो। पहले A को डाल दिया हमने, फिर चेक किया क्या B L से बड़ा है तो B डाल दिया, अगर बड़ा है तो, नहीं तो फिर जो था वही रहेगा। पहले क्या था? A था, A रहेगा। फिर चेक किया क्या C L से बड़ा है, हाँ तो C डाल दिया, नहीं तो जो था पहले वही रहेगा। अब हम क्या करें? प्रिंट कर दें सबसे बड़ा एल है, printf %d is largest, और जो सबसे बड़ा है वो एल में बड़ा ही है, एल प्रिंट करा दो, है ना? अब इसमें देखिए ना तो एक के साथ एक जुड़ा है, ना एक के अंदर एक है, यहाँ पे क्या है? एक के बाद एक है, एक के बाद एक है कंडीशन। और कितने कंडीशन चेक किए? दो में ही सारा काम हो गया। तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? ये वाला तरीका। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछे, ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछ लेंगे, 3 नंबर दो, उससे उसमें जो बड़ा है उसको प्रिंट कराओ। तो अगर इसने पहला तरीका अपनाया, इसने दूसरा अपनाया, इसने तीसरा अपनाया, तो मैं किससे ज़्यादा इंप्रेस होगा? आंसर तो तीनों का सही है, मैं काट तो किसी का नहीं सकता, बट इंप्रेस मैं किससे ज्यादा होगा? जिसने तीसरा तरीका यूज हुआ किया है। हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इन दोनों को 4.5 दूं, इसको 5 दूं, ठीक है ना? समझ में आया? तो चीजों को जो बेहतर तरीके से करता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? नोट कर लीजिए। तो अभी हमने अभी देखा कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो आप भी जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो तीनों ही सही हैं, बट जो बेटर है वो ज़्यादा सही माना जाएगा। जैसे कि जो तीसरा मेथड था हमारा, ये ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो चलिए हम आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा आपने सीक्वेंशियल लॉजिक पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने गो टू पढ़ा था, उसके बाद आपने इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा और नेस्टेड इफ पढ़ा। तो मैं जो 2 क्वेश्चन दूंगा आज आपको होमवर्क के लिए, उसमें आप कोई भी जो तरीका लग जाए वो अपनाइए और उसको करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, होमवर्क के लिए राइट अ प्रोग्राम to calculate the interest on a deposit amount for the given conditions. ठीक है, हमें फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट निकालना है और कंडीशन क्या है, अगर डिपॉजिट करने वाला जो व्यक्ति है उसका एज लेस देन 70 है, अगर डिपॉजिट करने वाला व्यक्ति उसका एज 70 साल से कम है और टाइम अगर 5 साल से कम है, अगर उसका जो डिपॉजिट का अवधि है वो 5 साल से कम है तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6.2% के हिसाब से। उसको इंटरेस्ट कितने हिसाब किस हिसाब से मिलेगा, 6.2% के हिसाब से। ठीक है, और अगर उसका टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, 5 साल के बराबर या उससे अधिक है तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 7.2 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर व्यक्ति डिपॉजिट करने वाला व्यक्ति 70 साल से कम का है और वो 5 साल से कम के लिए डिपॉजिट कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6.2% के हिसाब से, और अगर वो 5 साल से अधिक के लिए कर रहा है तो 7.2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर वो व्यक्ति 70 साल या उससे अधिक का है यानी कि सीनियर सिटीजन है तो अगर उसकी डिपॉजिट अवधि जमा अवधि 5 साल से कम है तो उसे मिलेगा 6.7%, और अगर जमा अवधि 5 साल या उससे अधिक है तो उसको मिलेगा 8%। सीनियर सेक्शन को ज्यादा ब्याज मिल रहा है ना। तो आपको इनपुट क्या क्या करना है, एक तो अमाउंट, उसका एज और उसकी अवधि, और कैलकुलेट क्या करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना उसको 5 साल बाद जितने साल के लिए जमा किया उतने समय बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं, मान लेते हैं कि ज्वाला ने 10,000 रुपए जमा किया फिक्स डिपॉजिट में, तो अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है, और मान लेते हैं उसने 10 साल के लिए जमा किया, टाइम कितना है, और ज्वाला की एज कितनी है, सपोज 20 है मान लो। ठीक है, तो ज्वाला को 10 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज निकाल दो। कैसे निकलेगा, आपका अमाउंट 10,000 इंटू 10 साल बाद यानी कि ईयर मिलेगा 7.2/100 इंटू टाइम कितना है 10 साल, तो ये 2 से ये कट जाएगा 100 हो गया, 7.2 × 100 720 रुपए ब्याज में मिलेंगे। कितना मिलेगा 720। ठीक है, अगर मान लेते हैं ज्वाला की जगह ज्वाला के दादाजी जमा करते पैसा, जिनकी उम्र 85 साल है, जिनकी उम्र कितनी है 85 साल है, तो 85 साल है तो यहाँ आ जाएगा। टाइम कितना है 10 साल के लिए है, तो अब इनको कितना मिलेगा, इनके दादाजी को 8%, तो 10,000 इंटू 8/100 गुणे 10, तो 1,000 यहाँ पे 10 है, वहाँ 10,000 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इनको 7,200 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे इनको कितना मिलेगा, इनके दादाजी को 8,000 रुपये मिलेगा ब्याज के रूप में, और जो अमाउंट है वो तो मिलना करेगा, यानी कि अगर टोटल अमाउंट बोले तो 17,200 ज्वाला को मिलेगा, अपने दादाजी को कितना मिलेगा, 18,000। क्लियर, आप समझ में आए क्वेश्चन, कर लेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर इनपुट कराने हैं, एंड स्वैप देम, और उनको स्वैप कर देना है। स्वैप करने का मतलब अदला बदली कर देना है, स्वैप करने का मतलब यानी कि अगर आपने 2 नंबर इनपुट कराए ए और बी, मान लेते हैं ए में इनपुट कराया 17 और बी में इनपुट कराया 12, तो जब स्वैप कर देंगे तो ये इसमें आ जाएगा, और ये यानी कि ए की वैल्यू स्वैप करने के बाद कितना हो जाएगा, 12, और बी की वैल्यू 17। स्वैप करने के पहले ए और बी को प्रिंट करेंगे तो 17 और 12 प्रिंट करेगा, और बाद में प्रिंट करेंगे तो 12 और 17 प्रिंट करेगा। कैसे करना है ये आपको सोचना है, करके लाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आज का क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।